आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ वेसल कंटेन 2 मोल ऑफ द गैस एंड द प्रेशर इज 40 सेंटीमीटर ऑफ HG, यानी कि हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल का गैस है और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 40 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है, मरकरी। अब दिया हुआ है कि अंडर द सेम कंडीशन रखना है, इफ 1 ग्राम ऑफ द गैस इज इंट्रोड्यूस इन टू द वेसल। अब हम 1 ग्राम गैस और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे क्या होता है कि द प्रेशर विल बी, तो प्रेशर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है हमारे पास फार्मूला, PV इज इक्वल टू NR इनटू T होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा पास प्रेशर है, वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे हम 1 ग्राम ऑफ द गैस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि R कांस्टेंट हमारे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पे इससे हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 upon P2 इज इक्वल टू N1 upon N2 लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ द गैस इज इंट्रोड्यूस इन द वेसल, हमारे पास कितना था, 2 मोल ऑफ द गैस था, अब 1 ग्राम ऑफ और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या है कि P1 upon P2 इज इक्वल टू N1 upon N2 ये है होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, P1 अगर प्रेशर P1 था, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना था, ये था N1, ठीक है। जब प्रेशर P2 था तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना था, नंबर ऑफ मोल्स था N1 प्लस 1 ग्राम हम और जोड़ देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाता है, हमें पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ यहाँ पे है कि 2 मोल ऑफ द गैस एंड इज इक्वल टू 2 मोल दिया हुआ है और हमारे पास प्रेशर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑफ HG दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर ऑफ HG विच इज इक्वल टू 2 मोल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। तो यहाँ से P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास 4 × 12 = 120 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है सही यूनिट 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर ऑफ HG लिख सकते हैं, ठीक है। ये P2 का, तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, D। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।